वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम आपके लिए लेके आए हैं एक ड्रोन की अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि आज बहुत ही शानदार होने वाली है। और ये ड्रोन बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में अवेलेबल है। हम आपको इसकी फ्लाइंग टेस्ट वीडियो भी दिखाएंगे और कैमरा क्वालिटी जो कि इसमें दी गई है 1080p पिक्सल की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम इसके लेवल को देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है सेट हाइट। हम इसमें हाइट भी सेट कर सकते हैं और इसको रिवर्स फ्लाइंग भी कर सकते हैं। 1080p इसमें कैमरा दिया गया है, 1K रिटर्न है, रियल ट्रांसमिशन है। गाइस, इसमें बहुत सी लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई हैं जो कि हमको देखने के लिए मिल जाती हैं। फ्लाई सेफ, इसमें कुछ वार्निंग लिखी हुई हैं। गाइस, जब हम ड्रोन के पैकेट को खोलते हैं तो उसमें अंदर कुछ हमको इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। वैसे मैंने तो वाइट कलर का मंगाया था पर इसमें तो ब्लैक आया हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी आपको ये ड्रोन देखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, पर जब इसको पूरा अच्छे से बाइंड करेंगे तो तब जाके ये बड़ा हो जाएगा। हमने बॉक्स से पूरा सामान बाहर निकाल दिया है। हमको इसमें देखने के लिए मिलेगा एक रिमोट कंट्रोल, कैमरा स्टैंड, 1080p कैमरा और ये मोबाइल होल्डर, एक बैटरी और कुछ प्रोपेलर्स भी हैं इसके साथ। और इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन गार्ड मिलता है कि अगर गलती से आपका ड्रोन गिर गया तो ये उनको प्रोटेक्ट करेगा। ये ड्रोन का स्टैंड है और ये ड्रोन है। और इसके साथ हमको एक यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिलेगी जो कि इसकी ऐप ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन के नाम से दी गई है और हम इसको भी देखते हैं। हम इस ड्रोन को कम्प्लीटली सेटअप कर लेते हैं और सेटअप होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ऐप को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जब ड्रोन फुली सेटअप हो जाएगा तो उसका कुछ इस प्रकार का लुक आएगा जो कि बहुत ही अच्छा आ रहा है। और रिमोट भी इसका थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और चलिए अब हम इसको फ्लाई करके देखते हैं कि कैसी इसकी फ्लाई टाइम है, क्या कैसे देखने। भाई, सबसे पहले हम इसके रिमोट को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या की दी गई हैं, क्या क्या इसका फंक्शन है। सो भाई, सबसे पहले हमको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा ये अप एंड डाउन होल्डर है, ये लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड है और ये मेन इसका स्विच है जो कि अभी देखिए मैंने चालू करके आपको दिखाया है। ये है वीडियो शूटिंग के लिए, ये है फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, ये है 1K टेक ऑफ, ये है 1K लैंडिंग के लिए, ये है 1K रिटर्न, ये है इमरजेंसी स्टॉप बटन जैसे कि आपका ड्रोन कहीं दूर जा रहा है तो इसके लिए। और ये मिल जाता है सेम मूवमेंट के लिए। और ये बटन है जो कि हमको देखने के लिए मिल जाएगा इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर ये वाला हमको बटन देखने के लिए मिलेगा बैक फ्लिप के लिए, और ये उस साइड वाला बटन यानी कि ये वाला बटन भी हमको बैक फ्लिप के लिए ही देखने के लिए मिलता है। यानी इसमें बहुत ही सारे फंक्शन दिए गए हैं। और सबसे ऊपर हमको मिलता है एक मोबाइल होल्डर। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि हम जब इसको मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो वो वाईफाई की मदद से अपने ड्रोन के कैमरे के साथ कनेक्ट होगा, जो कि कैमरा भी हमको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब आगे हम इसको देखते हैं। हम इसको बिना किसी कैमरे से कनेक्ट करके एक बार फर्स्ट टाइम जब आप इसको पेयर करेंगे तो आपको इसमें एक बार इसको ऊपर ले जाना है, एक बार इसको साइड में ले जाना है, एक बार फिर जब आप इसको साइड में लेंगे तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारा ड्रोन है जो रिमोट से हो चुका है कनेक्टेड। मैं ऐप इंस्टॉल करने के लिए अपने फ़ोन का QR स्कैन ऐप खोलना है और उस एप्पल के फ़ोन के लिए iOS के लिए ये वाला दिया गया है, एंड्रॉयड के लिए ये वाला। तो सिंपली आपको एंड्रॉयड वाले पर जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, चलिए मैं भी इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो गाइस, आपको डायरेक्टली अब इस ऐप को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको लोकेशन मांगेगा। लोकेशन आपको ओके कर देनी है, फ़ोटो परमिशन अलाउ कर देना है, रिकॉर्डिंग के लिए भी अलाउ कर देना है। सो गाइस, जब ऐप को आपको स्टार्ट कर देनी है, फ़ोन का वाईफाई को ऑन करना है। वाईफाई ऑन करने के बाद आपको इसमें KY1080 ये कनेक्ट जब आपका हो जाए।
सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे फोन से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसको आउटडोर में जाके फ्लाई करके देखते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम आउटडोर में आ चुके हैं और अभी हम इसका फ्लाई टाइम चेक करेंगे। गाइस मैं इस ड्रोन को आपको उड़ा के दिखाता हूँ और मैं इसको बैक फ्लिप भी लगा के आपको दिखाता हूँ। गाइस आप इस ड्रोन की स्टेबिलिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी स्टेबिलिटी है। मैं आपको इसको फ्रंट से ही दिखाता हूँ। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।